फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेट डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिए है। और देखिए, मैंने ये अलग से कपड़ा लिया है ब्लू कलर का। देखिए, मैं आपको इसका साइज बताती हूँ। लंबाई लिया हमें 14 इंच है, तैयार में 13 इंच आएगा। 1 इंच में नीचे मार्जिन लिया है फोल्ड करने के लिए। देखिए, हम 34 साइज बना रहे हैं तो डबल फोल्ड मैंने 8.5 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर में 6 इंच लिए, मुड्डे में 6 इंच लिए और हमें 1.5 इंच की गुलाई दी है। देखिए, हम लाइनिंग और ब्लाउज एक संग कट करेंगे तो शोल्डर से हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और देखिए, इस तरह हम लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे 9 इंच तक। इस तरह हम बॉक्स बनाएंगे। देखिए, इसमें हम शेप देंगे। इस तरह में ड्रॉ कर लिया, सेम टॉपिक से हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह में कट कर लिया। देखिए, हम लाइनिंग साइड में रख लेते हैं और खोलेंगे अपना। देखिए, जहां से हमने इस तरह में नेक कट किया है, इस तरह में नीचे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर लिए। अब देखिए, जो हमारा यहाँ से मार्जिन आ रहा है, देखिए इस तरह हम ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह, और यहाँ से हम सर इसमें 1.5 इंच के गैप देंगे। फिर तो हम इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह, तो हम 1.5 इंच का फिर मार्जिन देंगे। देखिए, इस तरह में 1.5 इंच पे हमने सारे निशान लगा लिए। अब देखिए, यहां से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह देखिए, यहां से फिर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह फिर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह मैं 2-2 इंच पे निशान लगा लेती हूँ पूरे पे। देखिए, इस तरह हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिया। देखिए इस तरह, और हमारा एक साइड हमारा प्लेन रहेगा। और देखिए, जो हमें ब्लू कलर का कपड़ा रहता है, इसके हम पट्टियां कट करेंगे। देखिए, ये हमारा कपड़ा ब्लू कलर का, तो मैंने डबल फोल्ड कर लिया। इसमें से हम बॉक्स कट करेंगे। देखिए, इस तरह हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस तरह हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 2.5-2.5 इंच पे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया। अब इसमें हम बॉक्स कट करेंगे। देखिए, इस तरह मैंने 4 फोल्डिंग कर लिया है और इस तरह हम 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और इस तरह हम बॉक्स कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह इसी तरह हम साड़ी तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने पट्टियां कट कर ली है सारी। देखिए, 2.5-2.5 इंच पे ये जो हमारा नेक निकला था, इसके हम कैनवास और नेक पट्टी कट करेंगे। देखिए, कैनवास मैंने डबल फोल्ड कर लिया और मेरे जो ड्राफ्ट निकला था, इसे इस तरह लिया और सेम ड्राफ्ट से हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया। इसमें चौड़ाई लेंगे वो हम 1 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कैनवास कट कर लिया और नेक पट्टी कट करेंगे। नेक पट्टी की चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने नेक पट्टी भी कट कर लिया, कैनवास भी कट कर लिया। देखिए, ये मैंने ब्लू कलर की लेस ली, ये हम लेस लगाएंगे इसमें। देखिए, नीचे मैंने नेक पट्टी रख ली है, इसको मैं कैनवास रखूंगी इस तरह। और जब इसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस तरह फोल्ड कर देंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। देखिए, नीचे मैंने लाइनिंग रखा है, इसको मैंने ब्लाउज रखा है।
इस तरह पहले हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो मैं पूरे में सिलाई लगा दी। अब जो हमने पट्टी कट की थी जो हमने इस तरह और इस तरह, देखिए जो हमने बॉक्स बनाए इनके बीच में रखेंगे इस तरह। देखिए इस तरह में लगा दिए, इस तरह हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह हमने लगा दिए। देखिए अगर हमारे यहाँ पे खुला रहा है तो यहाँ पे हमारी लेस लग जाएगी, तो इस तरह हमारे यहाँ पे बंद आ रहा है। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं पूरे में लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने पूरे में लगा दी। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। देखिए हमने ये गोल्डन और ब्लू कलर की लेस ली है, इसमें हम ये लगाएंगे। देखिए हम ऊपर से इस तरह लेस लगाएंगे इसमें। देखिए हमने एक साइड लगा दी, एक साइड और लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह में ऊपर लेस लगा दिए। अब देखिए जो हमने आगे ड्रॉ किया था इस तरह लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में लेस लगा दिए और हम इस तरह एक लेयर और लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं पूरे में लगाऊंगी। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दिए, इस तरह एक लेस और लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में लेस लगा दिए। अब हम ऊपर का नेक लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह मैंने सीधा रखा है और जो मैंने नेक पट्टी तैयार की थी इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। अब पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी और जो हमारे बीच में कोना रहा है यहाँ पे हम कट कर देते हैं। देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए मैं ऊपर का नेक तैयार कर लिया। अब देखिए जैसे नॉर्मल हम फिनिशिंग देते हैं वैसे मैंने फिनिशिंग दे दी है। 4 इंच हमने प्लेट डाल दी हमने। देखिए जो हमारा प्लेन साइड है इस तरह हम लेस लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह हम यहाँ पे कट कर देंगे, डबल सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैं यहाँ पे लेस लगा दी, दूसरी साइड लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह नीचे से लगाएंगे यहाँ से जो हमने निशान लगाया था इस तरह। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दिए, इस तरह पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए नीचे फिनिशिंग दे दी, प्लेट भी डाल दी हमें और देखिए हमने यहाँ लेस लगा दी, इस तरह भी लगा दी। और देख सकते कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप भी सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।